ग्रेट। हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम नेहा है और मैं अलोहमोरा एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि हम क्या काम करते हैं। हम 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ काम नहीं करते आ रही। हैं। हेलो, नहीं आ रही नहीं। हेलो हेलो, आई थिंक जब नेहा बात क्यों नेहा, सॉरी। इट्स ओके। सो जैसा कि मैं बता रही थी कि अलोहमोरा एजुकेशन फाउंडेशन 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ काम करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पहचान सके और अपने आगे की करियर की तैयारी में लगे रहे और आगे की करियर की तैयारी अच्छे से कर सके। आज के सेशन का कुछ नॉर्म है दोस्तों, मैं फटाफट उसको बोल देती हूँ आप लोगों को। आप लोग बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। मैं सबको देख सकती हूँ कि आप सबका ऑडियो कनेक्टेड है तो वो ठीक है। आप चैट पे अपने आप को प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर दीजिए और चैट पे कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी फील कर रहे हो, अगर आपको दीदी से कुछ सवाल पूछना है, अगर आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो चैट का इस्तेमाल हम भरपूर करेंगे क्योंकि एक जरिया है आपको अपनी फीलिंग्स और क्वेश्चंस पूछने का। तो चैट को खाली मत छोड़ना। और तीसरा है कि अगर आपको कुछ भी बोलना है आप चैट पे लिखिए, हम आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। बट आपको चैट पे बहुत सारा इंटरेक्शन आज बनाए रखना है, ठीक है। आप अपना वीडियो चूज कर सकते हैं, अगर आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, अगर नहीं रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वीडियो को ऑफ भी रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स फिटनेस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, तो हमारे साथ आज पिंकी दीदी है। वो एक हाय, योगा टीचर है और वो 10 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है, तो मैं और ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं बोलूंगी। मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे। तो पिंकी जी, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे अपने बारे में। हाँ जी, हाय, नमस्ते। मेरा नाम पिंकी शर्मा है। हाय, नमस्ते। मेरा नाम पिंकी शर्मा है और मैं योगा के फील्ड में 10 to 11 years से हूँ। और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मुझे स्टार्टिंग से ही मेरा था बचपन से ही कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया काफी सारे रीजंस थे। बट मैंने आगे चल के 11th 12th में योगा को अपना आगे बढ़ने का तरीका बनाया कि मैं इस फील्ड में जाके भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी और अभी तक चल ही रही है। थैंक यू सो मच अपने बारे में शेयर करने के लिए कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो स्पोर्ट्स नहीं तो फिटनेस इसी करियर में आपने अपने आप को बनाए रखा, तो ये बहुत ही हाँ अच्छी जी, एक इंस्पिरेशन की बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का सेशन कैसे दिखने वाला है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन आंसर राउंड से, जहाँ पर मैं दीदी से कुछ कुछ सवाल पूछूंगी। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप प्लीज चैट पे लिखिए, हम उन सवालों को जरूर लेंगे आज के सेशन में। दूसरा पार्ट जो इस सेशन का होगा, आप लोगों ने करियरशाला प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिटनेस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स पे दीदी के कुछ व्यूज लेंगे, उनसे कुछ फीडबैक लेंगे कि हम उन प्रोजेक्ट्स पे हम क्या क्या चीजें हम अच्छा कर रहे हैं। आपने अगर अपना प्रोजेक्ट अभी नहीं किया है तो आप उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दीदी से पूछ सकते हैं। तो ये 2 राउंड में हम आज का सेशन करने वाले हैं और आपको मौका भी मिलेगा दीदी से क्वेश्चंस पूछने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। तो सबसे पहले पिंकी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि योगा फिटनेस में बहुत सारे अलग अलग करियर्स होते हैं और तो योगा भी एक है, तो योगा में क्या क्या अलग अलग तरह के करियर्स होते हैं? हेलो। हाँ जी नेहा, योगा में काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टार्टिंग एज ए टीचर कर सकते हो, एज ए ट्रेनर कर सकते हो, एज ए थेरेपिस्ट कर सकते हो, फ्रीलांसर भी कर सकते हो। फ्रीलांसर का तो बहुत ही वो है कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्टिंग करके और आगे बढ़ सकते हो, और साथ साथ आप अपनी जॉब को भी, सॉरी, स्टडीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो, उस वो भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली सब हो जाता है। तो अलग अलग तरह से
लाइक फ्रीलांसर्स है, ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, तो अगर मुझे इस इंडस्ट्री में आना है तो क्या इस इंडस्ट्री में कुछ कोर्सेज होते हैं जो करके आना अच्छा होता है? तो किस तरह के कोर्सेज होते हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब एज ए योगा ट्रेनर अगर मुझे बनना है तो किस तरह के कोर्सेज होते हैं? अगर योगा टीचर का आपको करना है या एज ए थेरेपिस्ट का करना है तो काफी सारे कोर्सेज हैं। स्टार्टिंग में आपको अपना इंटरेस्ट देखने के अकॉर्डिंग आप 1 डे की, 2 डेज की या 10 डेज की वर्कशॉप्स देख सकते हैं। वर्कशॉप से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। और फिर उसके बाद डिप्लोमा है, फिर उसके बाद पीजी डिप्लोमा है, फिर इसी में मास्टर्स है और ग्रेजुएशन भी है, एमफिल भी है, और अब तो नेट भी आ गया है और आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो काफी सारे हैं, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी। तो अगर और मैं, हाँ हाँ बताइए। हाँ जी, और इसमें कोर्सेज ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग आपको बड़े कोर्स से ही करना है, लॉन्ग टर्म से ही करना है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं जिनसे आप स्टार्ट इजीली कर सकते हो, अपनी स्टडीज के साथ इजीली कर सकते हो। सो किस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं इसमें? शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आपका 45 डेज का हो गया, 2 मंथ्स का हो गया, 1 मंथ का हो गया, या 3 मंथ्स का हो गया, 6 मंथ्स का हो गया, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आते हैं। लॉन्ग टर्म में फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का ऐसे, और पीएचडी तो फिर 5 साल का लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और एमफिल का हो गया जैसे, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हैं, इजिली कर सकते हो आप अपनी जॉब के साथ या स्टडीज के साथ कैसे भी करके। आई थिंक इट्स ग्रेट, मतलब एक योगा पे भी इतनी आप इतना पढ़ाई कर सकते हो, इन डेप्थ अलग अलग तरह से सीख सकते हो, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। बट जैसे आपने बोला कि आप कोई भी छोटा सा कोर्स करके आप इस फील्ड में जा सकते हो और फिर कंटिन्यू कर सकते हो अपनी पढ़ाई योगा में ही, तो मतलब एंट्री लेवल में योगा की शुरुआत में करियर में क्या कैसे दिखता है एक ट्रेनर की, ट्रेनर का करियर कैसा दिखता है शुरुआती में, एंट्री लेवल में? एंट्री लेवल में हमें स्टार्टिंग करनी है तो उसके लिए हम एज ए सबसे पहले फ्रीलांसर, जो सबसे बेस्ट है, जहाँ तक मैंने भी अपनी शुरुआत यहीं से की थी कि स्टडीज के साथ साथ फ्रीलांस करना शुरू किया और वहाँ से अर्न भी होना शुरू हुआ और आगे बढ़ने के मौके भी बहुत सारे मिले। तो एज ए टीचर या किसी ट्रेनर के अंडर रह के आप कर सकते हो, किसी योग शिक्षक के अंडर रह के आप काम करना सीख सकते हो और कर सकते हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्पिटल में आप एज ए हेल्पर से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो काफी सारे स्कोप्स हैं, आप कहीं से भी इजीली अपने बाकी स्टडीज के साथ या वैसे इंडिविजुअली भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। और मतलब जैसे आप बता रहे कि आप एक एंट्री लेवल जॉब के साथ आप इस तरह के करियर में एंटर कर सकते हो, तो मतलब क्या होते हैं, मतलब आफ्टर क्लास 12 किस तरह का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसमें आपका 12th के बाद वैसे अगर आपको वर्कशॉप करनी है या फिर आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं उनमें आपका 12th तक कंपलसरी है, 12th बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बट अगर आपको आगे करना है, बड़े कोर्सेज करने हैं या लंबे उसके अकॉर्डिंग करने हैं, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा, आप 12th बेसिस पे नहीं कर सकते। तो छोटी उससे कर सकते हैं स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका क्या क्वेश्चन था, सॉरी नेहा मैं थोड़ा सा भूल गई। मैं ये बोल रही थी कि एडमिशन क्राइटेरिया में और क्या क्या चाहिए, तो अगर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो क्या मत ग्रेजुएशन में कुछ स्पेसिफिक या 12th में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए? सिंपली अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आपका चलेगा, और उसमें ये होता है कि फर्स्ट डिवीजन हो, एटलीस्ट आपकी मार्क्स थोड़े से ठीक हो आपके, तो उसके बेसिस पे। और अगर आपके पास स्कूल में या कॉलेज में एज ए स्पोर्ट्स में अगर आपके पास योग है तो आपका एडमिशन का थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है प्रोसीजर, कि आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपके पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं उसमें, क्योंकि आप अगर 12th से लेके ग्रेजुएशन तक या 12th से पहले भी अगर आप योग के फील्ड में हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो अगर आप नॉर्मली, तो आपके लिए वो चीजें इजी हो जाती हैं। और आप जैसे बोल रहे थे कि इतनी सारी पढ़ाई होती है, मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर्स, तो मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ कॉलेजेस हैं जिसके नाम आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ
हाँ जी, बहुत सारे हैं। अपने दिल्ली में ही विश्व भारती है, जैन विश्व भारती, अपना मोरारजी देसाई है, और मोरारजी देसाई के साथ CCRYN भी करवाता है। अगर पुणे की तरफ जाते हैं तो सबसे बेस्ट में SPSA, कैवल्य धाम और बिहार स्कूल ऑफ योगा, तो ऐसे सारे ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं योगा के लिए, कि जहाँ से आप कहीं से भी सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हो, और आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो वो भी उसमें भी हेल्प करते हैं, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट पे लिखिए, हम दीदी से जरूर इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में इवन एंटर करने से पहले एक योगा ट्रेनर या फिर इस फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उन्हें हेल्प करेगा आगे इस करियर में? इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आप एक तो डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हो, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक आपका टाइम टेबल वाला रूटीन थोड़ा सही हो कि आप टाइमली उठ रहे हो, आपका उसमें डाइट भी आपका काफी हेल्प करता है कि डाइट भी आपका ठीक है या नहीं है, और साथ में आपका वर्कआउट जो है, तो वो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं तो ये काफी हेल्प करती हैं, और आगे जाके फिर प्रॉब्लम भी नहीं होती कि मॉर्निंग में उठना है, शाम को टाइमली सोना है, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी है, खाने का ध्यान रखना है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ये करते हैं तो इजीली हमारा सब ठीक रहता है और इजीली हो जाता है, टफ भी नहीं रहता इतना। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये मतलब आपने तीन चीजें एक्चुअली बताई कि एक तो टाइम टेबल थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खा रहे हैं हम, और एक्सरसाइज का भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बोला कि प्रैक्टिस वर्कआउट सेशंस करना बहुत जरूरी है, तो कितना कितना टाइम का, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो योगा कर रहा है तो कितने समय का प्रैक्टिस उसे करना चाहिए, सुबह या शाम या कभी भी? अगर आप मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में 1 आवर देते हो तो भी चलेगा, या फिर मॉर्निंग में आपके आपको ये लगता है कि आपके पास इवनिंग का टाइम नहीं है तो अगर आप मॉर्निंग में ही 2 आवर्स दे देते हो या 1.5 आवर दे देते हो या 1 आवर भी आप अच्छे से कर रहे हो तो वो भी काफी इनफ होता है। जरूरी नहीं है कि आप दोनों टाइम ही करो, क्योंकि कई बार जॉब वगैरह का या रूटीन इतना टाइट शेड्यूल होता है कि हम दोनों टाइम टाइम नहीं दे पाते, तो मॉर्निंग में भी अगर आप अच्छे से टाइम देते हो तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। पर डेली रूटीन का प्रैक्टिस, कि ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और फिर 10 दिन नहीं किया, 15 दिन नहीं किया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डेली मतलब डेली एक रूटीन होना चाहिए। यस, आई थिंक ये बहुत ही मतलब, तो आप बोल रहे कि टाइम टेबल एक होना चाहिए, वो डेली उसमें लाना चाहिए। किस तरह के योगा मतलब एक्सरसाइज हम कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए? अगर मुझे स्टार्ट करना है, मान लीजिए आज आपके सेशन के बाद मैं जाके अपना एक 1 मंथ का रूटीन बनाऊंगी, तो किस तरह का एक कौन सा एक्सरसाइज हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्टिंग बिगिनर्स के अकॉर्डिंग अलग से होते हैं, कि स्टार्टिंग में आप बिल्कुल इजी से स्टार्ट करवाओगे, आसनास ब्रीदिंग धीरे धीरे स्टार्ट करवाओगे, और उसके बाद आपका वर्कआउट थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़ा सकते हो, कि आपको स्टार्टिंग में ये भी पता चलने लगेगा कि हमारी बॉडी कितना अलाउ कर रही है और हम कितना किस हद तक जा सकते हैं, अपनी बॉडी को कितना खींच सकते हैं। तो डे बाय डे आप जैसे जैसे करोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। और स्टार्टिंग बिगिनर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइट और हल्के आसनास, जो टफ ना हो, बॉडी को कोई इंजरी ना हो, हार्मफुल ना हो, कुछ भी ना हो, आराम से ज्यादा पुश ना करते हुए बॉडी को इजीली करवाते हैं। उसके बाद फिर स्लो से फास्ट की तरफ कह सकते हो या इजी से टफ की तरफ कह सकते हो, कि फिर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसके पार्ट हैं, योग के ही पार्ट हैं, विन्यासा, अष्टांगा और ट्रेडिशनल योगा, तो उन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ सकते हो, पर स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा लाइट योग से करनी पड़ेगी, आप एकदम से स्टार्टिंग टफ से नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो पिंकी जी, मेरा एक और सवाल है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, अभी तो सारा चीज ऑनलाइन हो गया है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेस होती हैं, अभी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, और इन जनरल भी मतलब पढ़ाई बहुत सारा रहता है और बहुत सारे क्लासेस भी रहते हैं, तो उसके साथ कैसे मैनेज करें, ये एक समस्या हमारे साथ जीवन में रहती ही है,
तो क्या आप हमें बता सकते हैं अगर हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ अगर योगा भी मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपने कैसे किया जब आप स्कूल में थे तो? पढ़ाई के साथ योग इजीली मैनेज हो जाता है कि सबसे पहले इसमें वही वाली बात आती है कि रूटीन, अगर आपका सोने का उठने का रूटीन अगर मतलब सही टाइम से है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी टाइम को मैनेज करते हुए। अगर आप दिन में लेट उठ रहे हो, रात को लेट सो के सुबह लेट उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है। वरना अगर आपका 5 to 6 में अगर आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो तो इजीली। और मेरा जो स्कूल में था या कॉलेज में मेरा वही होता था कि सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाना और उसके बाद डेली की जो स्टार्टिंग होती थी वो योग से ही होती थी कि 5 to 7 या 8 नॉन स्टॉप प्रैक्टिस होती थी। और जब कॉम्पिटिशन में जाना होता था तब 3 घंटे का भी नहीं पता, 4 घंटे का नहीं पता। और डेली रूटीन में ये होता था कि सिर्फ अगर हम 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इजीली, बट अगर रात को लेट सो के सुबह लेट उठ रही थी उस दिन का मिस होता था। तो वो चीज बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ी कि रात को लेट ना हो ताकि मॉर्निंग में उठ के हम अपना प्रॉपर वर्कआउट कर पाए। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है कि टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। थैंक यू। हमारे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि योगा का वैल्यू फॉरेन कंट्रीज में क्या है। आई थिंक इसके बारे में आप जाके अलग अलग यू नो गूगल कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या लोग, कितने लोग योगा करते हैं। बट दीदी आप अगर शेयर करना चाहे कि लोग, आप अलग अलग कंट्रीज के लोगों से भी मिलते होंगे कि वो किस तरह से करते हैं योगा, इंटरेक्ट करते होंगे, तो आपको क्या लगता है वैल्यू क्या है कि लोग क्या अलग दूसरे कंट्रीज में भी योगा इतना ही फेमस है, सब करते हैं? इंडिया में नहीं, योग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं रखती, मेंटली भी फिट रखती है। और ये इंडिया में तो है ही, बल्कि अगर आप ऋषिकेश या और थोड़ा सा किसी भी स्कूल में जाओगे, आप बिहार स्कूल ऑफ योगा हो गया या केवल्य धामा हो गया, कहीं पे भी आपको जितने इंडियंस मिलेंगे वहां पे उतने ही फॉरनर्स मिलेंगे। और फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड में है, इवन मेरे बैच में से बहुत सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और मेरा भी अभी लॉकडाउन की वजह से रह गया, वरना मेरा जुलाई में जाना था। और फॉरेन कंट्रीज से या तो लोग सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं या फिर वो यहाँ से टीचर्स को हायर करके वहां पे बुलाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में स्कोप है, कंपनीज, जिम, हर जगह वहां पे योगा टीचर को हायर किया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है उनके साथ। वहां पे भी बहुत स्कोप है, अगर आप करना चाहो अपनी स्टडीज के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा कभी भी। और एक अच्छा फ्यूचर है आपका योगा के साथ, बाहर कंट्रीज में भी और इंडिया में भी। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो अभी हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस जर्नी में हैं कि जहाँ वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या मुझे इस फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं, क्या मुझे ये पसंद आता है कि नहीं, तो 12th में रहते रहते मुझे क्या चीजें समझ जानी चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में या इस करियर के बारे में, ताकि मैं 12th के बाद क्लियरली डिसाइड कर पाऊं कि हाँ मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ? सबसे पहली बात तो ये, अगर आपका, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। दूसरी बात ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी के अंडर कोई आप टीचर ढूंढ लिया अपने आसपास, कोई मिल जाएगा आपको, उनके नीचे रह के थोड़ा सा काम करना सीखिए। काम इन द सेंस कि आप योग के बारे में जानना सीखिए, जानने की कोशिश कीजिए, आप YouTube पे देखिए, आप बुक्स पढ़िए योगा से रिलेटेड, जितनी भी बुक्स हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी कि आपका इंटरेस्ट है और आप कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि योग मतलब एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सीमित नहीं है, आपको पढ़ना भी पड़ता है, एनाटॉमिकली भी पढ़ना पड़ता है आपको, मेंटल हेल्थ भी पढ़ना पड़ता है आपको। तो आपको हर एक चीज में अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तो आपकी सारी चीजें देखी जाएंगी इसमें। तो आप 12th की छुट्टियों से या 12th में स्टडीज के साथ साथ शुरुआत कर दीजिए, कि थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कीजिए, बुक्स पढ़नी शुरू कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू कीजिए और साथ में अलग अलग कोर्सेज देखिए, उनका ये देखिए कि टाइम कितना, कितने टाइम में आगे अगर मैं करूँ तो कितने टाइम में ये होगा और कितना मुझे इसमें इन्वेस्ट पैसे वगैरह का भी देखना पड़ेगा आपको, सारी चीजें वो देखिए और फिर धीरे धीरे आप स्टार्टिंग कर दीजिए, तो कोई इशू नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस आपने शेयर किया कि अगर आपको इस करियर को डिसाइड करना है तो जाओ, इसके बारे में पढ़ो, अपने रूटीन में उस चीज को लाओ, करके भी देखो, तो गूगल में जाके यूट्यूब्स में देखो, बुक्स पढ़ो इसके ऊपर कि योगा में क्या क्या चीजें होती है, खुद भी करके देखो, अपना रूटीन बनाओ, एक्सरसाइजेस करो, तो आपको दोनों तरफ से समझ में आएगा कि एक्चुअली और रियल में कैसा दिखता है। तो अगर योगा में कुछ भी कोर्सेज करने, तो
मेनली कितने एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं या मिनिमम क्या एक्सपेंस हमें स्पेंड करना पड़ता है इस कोई भी एक छोटा सा कोर्स में या लॉन्ग टर्म कोर्सेज में? आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे फीस का थोड़ा सा हाई होता है, बट अगर आप गवर्नमेंट के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनकी फीस ज्यादा नहीं होती, और आप इजीली फ्रीलांस करते हुए या आप इजीली कोई भी जॉब करते हुए अपनी स्टडीज के साथ साथ कोर्सेज कर सकते हैं और आप साथ साथ क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो जो आपका इसमें आप पैसा लगाने का सोच रहे हो वो कहीं से ना कहीं से वो फ्रीलांस से या फिर आपका पार्ट टाइम जॉब करके वो निकल आएगा. इतना नहीं है कि आपको एकदम से ही सारा पैसा लगाना पड़ेगा, कि छोटी छोटा थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट कीजिए, एकदम से बर्डन मत डालिए. और जब तक आप मास्टर्स तक आएंगे या पीएचडी का भी सोचते हैं या कोई और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोर्स सोचते हैं उस टाइम तक आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे. तो कोई ऐसा एज सच इशू वाली बात नहीं है, पैसों को लेके आप पीछे मत हटिए. जैसा आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई करते करते मतलब को एक्सपेंसेस डिवाइड हो सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम ट्वेल्थ के बाद अगर कोई इस इंडस्ट्री में जाते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, हम तुरंत तुरंत स्कूल से गए निकले हैं और अभी गए हैं, तो क्या हमें जो भी क्लाइंट्स है वो सीरियसली लेंगे हमारे, तो वो कैसा दिखेगा क्या? तो हमें फिर क्या क्या स्किल्स, अगर अगर मुझे चाहिए कि एक तो अगर छोटी हूँ मैं और तुरंत जा रही हूँ, तो मैं क्या स्किल डेवलप करके जाऊँ कि लोग मुझे समझे, मेरे मैं एक इस प्रोफेशन में थोड़ा थोड़ा सीख भी सकूँ और आगे भी बढ़ सकूँ? अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है और ट्वेल्थ के बाद जाना है तो सबसे पहले तो सेल्फ प्रैक्टिस, आपके पोस्चर्स अच्छे होने चाहिए जो भी आप कर रहे हैं, और पोस्चर्स आपके डेली रूटीन के प्रैक्टिस से होंगे. अगर आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे होंगे. दूसरी बात ये, आपको एनाटॉमी अच्छे से पढ़नी है, हर एक आसन के अकॉर्डिंग और हमारा पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एक एक बॉडी पार्ट को पढ़ना है. और वो जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालो या माइंड के ऊपर प्रेशर डालो, एक दिन में ही पढ़ना है. आप धीरे धीरे डेली के अकॉर्डिंग एक आसन लीजिए या एक बॉडी पार्ट लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए. तो आपका एनाटॉमिकली जितना नॉलेज अच्छा होगा कि कौन से आसन को करने से कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, कहाँ पे आपको हल्का फील हो रहा है, तो वो चीजें आप अपने साथ साथ करते हुए क्लाइंट को या स्टूडेंट को या जहाँ पे भी आप करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट में ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से बता पाएंगे. तो मेरा मानना यही है, एनाटॉमिकली और साथ में आपका प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, ये दो चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप डेली रूटीन में करेंगे तो इजीली हो जाएगा. थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए. आई थिंक आपने जो भी शेयर किया कि बॉडी के पार्ट्स को पढ़ो, अलग अलग पार्ट्स को, और एक्सरसाइजेस पे फोकस करो और प्रैक्टिस करते रहो, तो इससे आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों के सामने जब जाओगे तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप आपके पास एक नॉलेज है कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अभी हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं तो अपने पढ़ाई के साथ साथ ये अभी सीख भी सकते हैं, देन अपने करियर की शुरुआत ट्वेल्थ के बाद वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, कि आज का जो सेशन का सेकंड पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा फीडबैक दीदी से लेंगे और समझेंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डाइट चार्ट बनाया है और अपना यू नो एक्सरसाइज वो क्या कर रहे हैं उसका एक चार्ट बनाया है. मैं अभी अभी क्या होगा कि मैं एक एक स्टूडेंट का डाइट चार्ट मैं दीदी के साथ शेयर करूंगी, आप भी देख सकते हैं उसमें. अगर दीदी उसमें से शेयर करेंगी कि दीदी को उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लग रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने डाइट चार्ट को और बेहतर बनाने के लिए. जो लोग अभी सेशन में हमें देख रहे हैं, आप कोशिश करो कि अगर आपको कुछ डाइट से रिलेटेड डाइट चार्ट आप भी बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उस पर आपको कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज दीदी से पूछो, हम उस पर भी अभी टाइम स्पेंड करेंगे. तो
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं चैट पे अभी तक, अगर किसी का कोई सवाल है तो फटाफट चैट पे लिख दो, हम एंड ऑफ द सेशन में उसको पूछ लेंगे. और फटाफट ये शेयर कर दो कि अभी आपको करना क्या है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैट पे वो अभी ये करेंगे कि अगर आपको आपने अपना आप अपना प्रोजेक्ट जो डाइट चार्ट आपको बनाना था आप उससे रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो आप अभी चैट पे लिख दो. मैं 30 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ सोच के लिखने का. और जब रेडी, अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं है बट आप रेडी हो तो चैट पे यस लिख दो. अगर कोई सवाल है तो भी वो भी चैट पे लिख दो, तो हमें लगेगा कि हाँ हम, मैं और पिंकी दीदी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ और भी सेशन में लोग हैं जो कि अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सेशन में कोई भी है. यस, शिवम ने बोल दिया. शिवम, अगर आपको डाइट से रिलेटेड आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो चैट पे लिख दो. क्या आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, डाइट का प्लान बनाया, अगर नहीं बना पाए तो क्यों नहीं बना पाए, अगर बना पाए तो आपको कोई सवाल है तो वो भी चैट पे लिख दो. और ये सबके लिए है, अजहर, कुलसुम, मनीष, पंकज, प्रिया, शिवम, सुरेश, विशाल. तो चलो थोड़ा सा हलचल अभी मचाते हैं. क्या बताओ क्या डाइट चार्ट होता क्या है, क्या होता है डाइट चार्ट, अगर कोई चैट पे लिख के एक्सप्लेन करना चाहे तो जल्दी जल्दी. मनीष, पंकज है हमारे साथ, विशाल कुमार. डाइट चार्ट जिससे बॉडी फिट रहती है. अच्छा, बट चार्ट होता क्या है, क्या होता है ये चार्ट, डाइट चार्ट में होता क्या है, हम क्या बनाते हैं डाइट चार्ट में, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे. अच्छा, हेल्दी फूड. तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ शिवम, अगर आप बोलना चाहते हो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी शिवम. शिवम आपको एक रिक्वेस्ट आया होगा, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. आई थिंक शिवम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाती. कोई और बताना चाहता है कि डाइट चार्ट क्या होता है. प्रिया, सुरेश, विशाल, कुलसुम. ओके, तो पंकज ने एक्सप्लेन किया, थैंक यू पंकज बताने के लिए, कि डाइट चार्ट वो होता है जिसमें हम हेल्दी फूड्स और न्यूट्रिशनल फूड्स बनाते हैं कि हम कब खाएंगे ताकि हम ताकि हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले. थैंक यू शेयर करने के लिए शिवम. मैं दीदी से स्टार्ट करना चाहूंगी कि दीदी फीडबैक के पहले क्या आप हमें बताना चाहते हैं कि डाइट चार्ट होता क्या है. डाइट चार्ट में एक्चुअली क्या होता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना और कितनी क्वांटिटी में खाना है और हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और हमें क्या सूट करता है, तो वो सब जो चीजें सारी इंक्लूड होती है उसमें, वो डाइट चार्ट होता है. और जो हम डेली रूटीन में फॉलो करके के अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं कि हमें ये खाना है ये नहीं खाना, वो सब चीजें. और बस दीदी बोलना चाह रही है, आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही थी. डाइट चार्ट, आप एक चार्ट बनाते हो कि आपको कब खाना खाना है, क्या खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, जिससे आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके. बहुत सारे लोग चैट पे मुझे प्राइवेटली लिख रहे हैं, प्लीज प्राइवेटली मत लिखो, एवरीवन करके लिखोगे तो सभी लोग देख पाएंगे. और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि मैंने डाइट चार्ट नहीं बनाया है, कभी उसको फॉलो नहीं किया है. और जैसे दीदी ने बताया कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है सो डाइट
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप क्या खाना खा रहे हो. तो हम फटाफट अभी थोड़ा देखते हैं, एक स्टूडेंट है आपके ही फिटनेस ग्रुप के एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक चार्ट बनाया है. तो अभी दीदी हमको बताएगी उस डाइट चार्ट में क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी है, ये आप लोग अपने चार्ट पे इंक्लूड कर सकते हो. आप देख सकते हो कि चार्ट कैसा बना है, और फिर दीदी आप बता भी दे सकती है कि इस चार्ट में और आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो जो घर में इजिली अवेलेबल है. ठीक है, तो अभी मैं ये डाइट चार्ट दीदी के साथ शेयर कर रही हूँ. आपको अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज लिखो. विशाल ने ऑलरेडी सवाल पूछ लिया है, तो विशाल आई थिंक आपका सवाल इस टास्क के फीडबैक के थ्रू आ जाएगा. तो यस पिंकी जी, आप स्टार्ट कर सकती है. हाँ जी, एक्चुअली जो ये डाइट चार्ट है इसमें पिंकी जी आपकी आवाज ना थोड़ी कटकट के आ रही है, तो आप आई थिंक आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोले आराम से, क्योंकि थोड़ी कटकट के आ रही है, तो आई थिंक हमें अच्छे से क्लियरली सुनाई देगा. ओके ओके, डाइट चार्ट में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें घी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि घी लेना चाहिए दिन में 2-3 बार, जैसे घी के हर एक ब्रेकफास्ट में भी घी का दिखाया गया है और मील में भी दिखाया गया है घी का, कि घी लेना जरूरी है कि बाकी ऑयल की जगह घी को, वरना आजकल लोग मोस्टली ऑयल घी की जगह ऑयल को लेना पसंद करते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया या बाकी सब, तो घी के लिए इसमें बहुत अच्छा है. दूसरा इसमें सीजनल फ्रूट्स के बारे में जो बोला गया है स्टार्टिंग में ही, कि सीजनल फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में जो उठने के 15 मिनट के बाद, जो भी जैसी वेदर है उस वेदर के अकॉर्डिंग जो फ्रूट है सीजनल फ्रूट हमेशा हमें वही लेना चाहिए, विदाउट सीजनल फ्रूट कभी नहीं लेना चाहिए, वो नुकसान करता है. और तीसरी बात जो है इसमें जो मिसिंग है वो ये है कि उठते के साथ सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए, और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं या और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो भी है, ऑलमोस्ट सबको ही होती है, तो आप पानी पीने के 10 या 15 मिनट के बाद कुछ एक जूसेस होते हैं जो ऐड कर सकते हैं, कि जैसे आंवला जूस हो गया, एलोवेरा जूस हो गया या गिलोय का जूस हो गया, वो सब चीजें अगर आप ऐड करोगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे. और दूसरी चीज एक और, कि अगर आप स्प्राउट्स को मॉर्निंग में जूसेस के आधे घंटे के बाद अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कि भीगा हुआ चना हो गया आपका, अंजीर मुनक्का हो गए, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग ये सब चीजें लेते हो तो ये और भी फायदा करेंगे. बाकी सब कुछ अच्छा है इसमें, बहुत अच्छे से बताया गया है. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सीजनल फ्रूट और घी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है इन्होंने. और अगर ये थोड़ा सा टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 बजे उठ रहे हो और 6 बजे के अकॉर्डिंग आपने 6 बजे उठते के साथ पहले पानी लिया, पानी के आपने 15 मिनट के बाद आपने जूस लिया, और जूस के बाद आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो जो आपका पहला ब्रेकफास्ट है, इसमें जो बताया गया है सीजनल फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स और सोग नट्स बताया गया है, उसके फिर आप 1 घंटे के बाद होममेड ब्रेकफास्ट आपका जो भी है, पोहा उपमा जो भी है, आप वो ले सकते हो. उसके 2-3 आवर के बाद आप नारियल पानी हो गया या और कोई भी ड्रिंक हो गया कि आप वो भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 11 o'clock के अराउंड तक हो गया आपका नारियल पानी, और उसके 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप अपना प्रॉपर लंच कर सकते हो, कि लंच में आप अपना सैलेड, राइस, रोटी, वेजिटेबल और दाल और दही, पिकल, घी जो सब हैं वो ले सकते हो. और 2 बजे आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद आप उसके 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, हाँ सॉरी एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, कि खाना खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना खाना खाते टाइम, और खाना खाने से पहले भी पानी कभी मत लीजिए. अगर आपको पानी पीना है तो आधा घंटा पहले पीजिए, और खाना खाने के 50 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना, क्योंकि अगर आप तीनों में ही थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं पानी का तो फिर हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं. आफ्टर 25 हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में. और बाकी इसमें सब ठीक है, शाम का ब्रेकफास्ट बता रखा है और बटर मिल्क और इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, और रात को वही कि बेड पे जाने से पहले कि आपको राइस या फिर घी या फिर जो भी खाना आपका लाइट खाना हो, कोशिश कीजिए कि रात को सोने से 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें और आपका लाइट खाना हो, कि हैवी बिल्कुल भी ना हो. और खाना खाने के बाद अगर 1000 कदम चल सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है. और सोने से पहले आप अगर दूध पीते हैं
तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, ज्यादा हैवी ना हो कि हल्दी वाला दूध लीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स मैं कहूंगी कि आप मत लीजिए रात के टाइम में, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर हैवी हो जाता है सोते टाइम। कोशिश कीजिए हल्दी वाला दूध इनफ है आपके लिए। दीदी ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं ले रहे तो प्लीज नोट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए, कि कुछ कुछ जैसे कब पानी पीना है। इस डाइट चार्ट में सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डाइट चार्ट नहीं बनाया, सो एक डाइट चार्ट ऐसा दिखता है जहाँ पर आप कब खाना खा रहे हैं, कितने घंटे के बाद आप खाना खा रहे हो, उसका एक चार्ट बनाते हो ताकि आप उसको फॉलो कर सको और एक हेल्दी डाइट प्लान अपने लिए बना सको और फॉलो कर सको। तो ये है एक डाइट चार्ट। दीदी ने इस जो भी चार्ट आपके सामने है इस पे दीदी ने कुछ फीडबैक दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें अच्छी है, जैसे सीजनल फ्रूट्स अच्छे हैं, और दीदी ने ये भी बताया कि आप इसमें आप किस तरह से लिख सकते हो कि अगर रात को आप खा रहे हो तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, शायद हैवी हो सकता है। तो दीदी ने इस पे हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। हाँ पिंकी जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सॉरी नेहा, कुछ नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका ये सवाल है पिंकी जी कि अगर जब मैं डाइट चार्ट बना रहा हूँ तो आपने एक चीज बता दी हमें कि टाइम कब मैं उठ रहा हूँ, तो टाइम को उस तरह से लिखें ताकि हमें समझ में आए कि मैं कितने घंटे बाद खा रहा हूँ, तो टाइम भी हमारा क्लियर रहे। लेकिन डाइट चार्ट बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये तो मेरे डाइट में होना ही चाहिए, और एक स्टूडेंट का भी वहाँ यहाँ सवाल है कि घर पे पड़े क्या क्या चीजें हैं जो हम डाइट पे ला सकते हैं। डाइट चार्ट बनाते टाइम आप, मैं ये कहूंगी कि कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, जो घर पे चीजें हैं आप उन्हीं में से अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। हमारे आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है मुझे। हेलो, क्लियर आ रही है? हाँ, आप क्लियर आ रही है। चार्ट के लिए हमें बाहर से कुछ खरीदने की एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है नेहा, हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसी अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नट्स नहीं है तो नट्स की जगह आप पीनट्स को दे सकते हो, आप चने को दे सकते हो, आप अंकुरित एक दिन मूंग ले सकते हो, एक दिन चने ले सकते हो, भुने हुए चने भी आप ले सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो स्नैक्स में, ऐड कर सकते हो आप भुने हुए चने। और आप अपना हमारा जो इजीली, अगर और कुछ भी नहीं है, अगर पोहा या लगता है कि कई बार पॉसिबल नहीं होता पोहा उपमा, तो आप सिंपली दही के साथ की मॉर्निंग में एक चपाती लीजिए, वो भी आपको बहुत फायदा करेगी। और साथ में पानी का जरूर आप ध्यान रखिए कि आपका बॉडी वेट जैसे 20 केजी वेट 1 लीटर पानी होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि आप तो खड़े होकर पानी नहीं पीना, जब आप पानी पी रहे हैं बैठ के पानी पीजिए, और जितनी आपको प्यास लगे उतना ही। लोगों में ये भ्रांति है कि नहीं पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हो तो आप किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हो, तो हमेशा कम पानी पीजिए, खाने के साथ कभी मत पीजिए। दूसरा, खाने में अपना जो लंच में जो भी चीजें हैं, मॉर्निंग में आपके स्प्राउट्स हो गए और आपके नट्स की जगह आप चने को ऐड कर सकते हो, पीनट्स ऐड कर सकते हो, लंच आपका जैसा जो है वो आप ऐड कर सकते हो। दिन में आप अगर नारियल को, नारियल ज्यादा महंगा नहीं आता सस्ता आता है, तो एक कच्चा नारियल लीजिए और उसको जब भी लगे कि एक्स्ट्रा क्रेविंग हो रही है तो आप उसको काट के रखिए पानी में डिप करके, और उसका डेली 2-3 दिन तक चल जाता है, वो पानी चेंज करते रहिए और फिर आप उसको यूज कीजिए कि जब भी क्रेविंग हो आप नारियल खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं प्रॉपर। फिर अपना लंच कीजिए, लंच के बाद शाम को आप कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे भी है हमारे पास, मौसमी हो गया या कोई और सीजनल फ्रूट हो गया, आप वो ले सकते हो। और शाम के टाइम में जहाँ तक हल्के खाने की बात आती है तो आप दलिये को इंक्लूड कर सकते हैं, आप खिचड़ी को इंक्लूड कर सकते हैं, जो पचने में भी ईजी रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग भी, और काफी हेल्पफुल है। और दलिया एक चीज आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, बिल्डअप करेगा स्टेमिना काफी, और बहुत सही रहता है, हल्का का हल्का और पौष्टिक का पौष्टिक। तो ज्यादा टफ बनाने की डाइट चार्ट को जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें रखिए, इजी इजी ऑप्शन रखिए, और अपना 2-3 घंटे में या 1.5 घंटे में अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भूख के अकॉर्डिंग खाते रहिए, अननेसेसरी नहीं खाना। दीदी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया, अननेसेसरी नहीं खाना है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, डाइट नहीं, ज्यादा नहीं खाना नहीं खाना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पंकज, आई थिंक साउंड आपको क्लियर नहीं आ रही थी, अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप अभी पूछ सकते हो, अगर कोई सवाल है आपका डाइट चार्ट से रिलेटेड। आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं बनाया है, बनाएंगे,
तो बना लो अगर इस इंडस्ट्री को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है इस इंडस्ट्री में, तो ये एक डेली रूटीन में लाना है, और ये शायद एक दिन का नहीं है, ये पूरी जिंदगी भर का होगा अगर आप इस करियर में जा रहे हैं तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर डाइट चार्ट बनाने पे अगर कोई सवाल है, दीदी ने बहुत सारे कुछ थॉट शेयर किए, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि डाइट चार्ट में आप इंक्लूड, पानी तो डेफिनेटली अपने डाइट चार्ट में इंक्लूड करना जरूरी है, और डाइट चार्ट में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है और वो हो सकती है। तो डाइट चार्ट से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो अगर है तो आप पूछ लो चैट पे। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं चैट पे मैंने उन सबको आंसर करने की कोशिश की है। विशाल आई थिंक आपका सवाल आंसर हो गया है। सुरेश अगर आपको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो शायद जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वेजिटेबल्स और अच्छे हैं वेजिटेबल्स, बट उसके साथ साथ हमें सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। तो जैसे सुरेश का एक सवाल है कि इसको कभी जरूरत नहीं पड़ी है डाइट चार्ट की, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं, तो क्या सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स इनफ होते हैं हमारे डाइट के लिए? पिंकी दीदी, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी जगह हैं, वो काफी हेल्प करते हैं। आज के टाइम में जो बच्चा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है उससे अच्छी बात भी नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे आजकल वेजिटेबल्स ही नहीं खाते, मोस्टली बच्चे अवॉइड करते हैं। वेजिटेबल्स भी जरूरी हैं, फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो भी है आप वो भी खाएं, आप प्रॉपर पानी भी लें, आप मिल्क भी लें। मिल्क का पर ये भी ना हो कि आप ओवर मिल्क ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए, लिमिट में लीजिए। और साथ में आप बाकी जो अपना फूड है वो भी लेते रहिए, तो छाछ वगैरह भी ले सकते हैं आप बीच में, और दही को भी आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। और जिनको अगर मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है तो वो इनके जगह ऑप्शंस भी ले सकते हैं कि कोकोनट मिल्क हो गया, या फिर सोया मिल्क हो गया, और बादाम मिल्क हो गया, मूंगफली का भी मिल्क होता है। ये चीजें इजीली घर पे बन जाती हैं और आप ये भी ले सकते हो, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं और हेल्थ के अकॉर्डिंग भी नॉर्मल दूध से ज्यादा फायदा करते हैं, तो आप ये सब चीजें भी ट्राई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप डाइट चार्ट बनाओगे, जो भी आपको घर में जो कुछ भी हेल्दी लगे आप उठाइए और सिंपली वे में खाइए, आपको फायदा ही फायदा करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। एक स्टूडेंट ने ये भी शेयर किया कि घर का खाना आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट डाइट चार्ट बनाने से आपको समझ में आएगा कि आप एक फुल न्यूट्रिशन जो भी आपको चाहिए आपके बॉडी को आप वो प्लान कर रहे हो अपने लिए, और उसपे लगे हुए हो कि अगर आपको हेल्दी रहना, तो वो एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है। तो थैंक यू, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो चैट पे लिख दीजिए नो, तो हम नेक्स्ट फीडबैक राउंड पे आएंगे जहां पर आप लोगों ने, यस थैंक यू सुरेश, आपने शेयर किया कि फ्रूट अगर कभी अवेलेबल ना हो तो ग्रीन वेजिटेबल इज द बेस्ट, यस। तो पंकज का सवाल है कि वो बॉक्सिंग सीखता है तो उसके लिए क्या कोई अलग कुछ डाइट चार्ट होगा कि हर कुछ भी अगर कोई भी फिटनेस का? पिंकी जी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर अलग अलग तरह के होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, आपको रेसलर्स होते हैं, सारे फिटनेस इंडस्ट्री में ही हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो उनके लिए क्या कोई अलग डाइट होता है? तो एक स्टूडेंट बॉक्सिंग में है, जो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में है, चाहे बॉक्सिंग में हो, रेसलिंग में हो, वेट लिफ्टिंग में हो, किसी भी चीज में हो, उनके लिए डाइट का ये है कि अगर नट्स इजीली अवेलेबल है तो नट्स लें, नहीं तो चना बहुत फायदा करता है, चना भिगोया हुआ भी बहुत फायदा करता है, सूखा चना भी बहुत फायदा करता है, चने अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गेहूं अंकुरित जो गेहूं होता है वो बहुत फायदा करता है, और अपना मूंग जो होता है वो भी बहुत फायदा करता है, वो भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज, आप अपनी डाइट में घी को जरूर शामिल कीजिए अगर आपका वर्कआउट हैवी हो रहा है, और प्रोटीन जितना आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन के लिए आपका पनीर हो गया, अपने स्प्राउट्स हो गए, और ये सब चीजें जितनी भी हैं आप ये ऐड कीजिए, तो आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा, स्टैमिना भी बना रहेगा, और हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं, मल्टी ग्रेन्स आप इकट्ठा करके उनका दलिया टाइप बना सकते हैं, मल्टी ग्रेन का आटा यूज कीजिए, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। बट मैं आपको स्पेशली कहूंगी घी और चना, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। आई थिंक पंकज को उसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंकज थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। हम आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो भी लोग अभी कॉल पे है, आप लोग कितने लोग रोज दिन में अपना वर्कआउट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और अगर करते हैं तो चैट पे लिखो कि आप
कब करते हैं एक्सरसाइज और क्या क्या एक्सरसाइजेस आप करते हैं आपके रूटीन में. तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैट पे लिखो कि आप अगर वर्कआउट करते हैं तो क्या करते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं. अगर नहीं करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं चैट पे कि मैं अभी कोई वर्कआउट नहीं करता है कर रहा हूँ. तो प्लीज चैट पे लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर्स आने चाहिए दोस्तों. विशाल बोल रहा है कि वो मॉर्निंग में वर्कआउट करता है 2 घंटे के लिए. विशाल क्या आप ये भी लिखना चाहेंगे कि क्या करते हो आप वर्कआउट में, क्या क्या एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में लाते हो. फटाफट दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ कॉल पे. रनिंग करते हैं. ओके ओके, थैंक यू शेयर करने के लिए. प्रिया, स्ट्रेचिंग करते हैं. विशाल, प्रिया मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज करती है. प्रिया आप बताना चाहेंगे किस तरह के एक्सरसाइज करते हो. मनीष, आप मुझे प्राइवेटली मैसेजेस भेज रहे हो. आप एवरीवन करके मैसेज भेजोगे तो सभी पढ़ पाएंगे कि आप क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करते हो. सुरेश, आई थिंक अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो आई थिंक वो बेटर होगा. अजरुद्दीन बोल रहे हैं कि उन्हें रनिंग और वो लेग स्प्लिट की सारी एक्सरसाइज कर रहा है फिलहाल. ओके, थैंक यू शेयर करने के लिए. शिवम बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेचिंग करते हैं और पुशअप्स करते हैं. थैंक यू शेयर करने के लिए. किसने रिप्लाई नहीं किया. प्रिया आप हमें बताइए आप क्या करते हैं एक्सरसाइज में अपने. मनीष बोल रहा है मैं इवनिंग में रनिंग करता हूँ. ओके, प्रिया स्ट्रेच करती है, जंप करती है और रोपिंग, आई थिंक वो आप रोप से, यस स्किपिंग रोप. सुरेश बोल रहे हैं वो रनिंग और स्ट्रेचिंग करते हैं. तो मतलब जितने लोग यहाँ पर है वो कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट. तो अभी आगे बढ़ते हैं. तो कुसुम डांसिंग भी करती, तो डांसिंग इज ऑल्सो गुड वे टू एक्सरसाइज. तो क्या दीदी आप हमें बताना चाहेंगे कि ये एक फिटनेस का जर्नल है, आप लोगों को मिला होगा, आप लोगों ने अपने अपने एक्सरसाइजेस प्लान किए होंगे कि आप एक दिन में क्या क्या करेंगे. तो मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जब हम एक एक्सरसाइज का प्लान करते हैं कि मुझे क्या क्या एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में डालना है, पिंकी दीदी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि जैसा बॉडी का हर पार्ट का एक एक्सरसाइज है, तो वो कैसे प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज मैं लूंगा. आप अगर स्टार्टिंग है आपकी अगर वर्कआउट में, तो आप अपना शुरुआत से थोड़ा स्लो से स्टार्टिंग कीजिए और स्ट्रेचिंग. पिंकी जी आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो आप ना थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ताकि अगर ब्रेक भी हो रही है तो हमें सुनाई देगा थोड़ी सी. अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग आप स्लो स्टार्टिंग कीजिए, स्टार्टिंग में स्लो स्लो स्लो, फिर उसको आगे की तरफ ले जाइए. एकदम से सारा वर्कआउट एक साथ स्टार्ट नहीं करना वरना प्रॉब्लम होने लगती है. और दूसरा, बहुत सारे वर्कआउट ऐसे हैं जो आप, जैसे रनिंग है वो अपने आप में इनफ है कि हमारी इसके लिए थाइस के लिए हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, क्वाटरसेप्स हो गई थाइस की, या काफ मसल्स हो गई, इनके लिए बहुत अच्छा, हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा हो गया रनिंग का. जंपिंग जैक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं जंप करने के अकॉर्डिंग, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, उनमें फुल बॉडी वर्कआउट होता है. और स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग होती हैं. अगर आप स्ट्रेचिंग्स पे जाओगे तो आपको ये है कि आपको अगर लेग्स की स्ट्रेच करनी है तो उसमें अलग एक्सरसाइज होंगी, हैंड्स की स्ट्रेचिंग कर रही है हैंड की अलग एक्सरसाइज होंगी, अगर बैक का फॉरवर्ड बेंड करना है तो उसकी अलग एक्सरसाइज होंगी, और बैकवर्ड बेंड करना है उसकी अलग, साइड बेंड के अकॉर्डिंग अलग. तो स्ट्रेचिंग्स अपनी जगह हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कौन से बॉडी के एरिया पे काम करना चाहते हैं. दूसरा, अगर हम योग की बात करें तो योग में सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है, पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है. और अगर आप वार्मिंग अप थोड़ा सा करके और ये स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे इसके राउंड्स बढ़ा देते हो, 50-60 तक ले जाते हो, तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो गया और पूरे दिन का वर्कआउट हो गया, और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्लैंक है जो, वो बहुत अच्छी है कि अगर डेली रूटीन में आप
प्लैंक को एक मिनट तक ले जाते हो, एक मिनट से दो मिनट तक ले जाते हो, फिर इसकी टाइमिंग्स और बढ़ा देते हो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कोर मसल्स के अकॉर्डिंग, बैक की मसल्स के अकॉर्डिंग, और बहुत बहुत अच्छा बॉडी वर्कआउट होता है आपका। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग कीजिए, सब इजीली होने लगेगा, और आप जब करना शुरू करोगे तो आपको अपने आप मोटिवेशन भी मिलेगा और अपने आप नॉलेज भी दे कि मुझे मेरे बॉडी कौन से बॉडी पार्ट पे काम करना है और कितना काम करना है, मेरी बॉडी कितना अलाउ कर रही है, तो चीजें अपने आप होने लगेंगी। बस शुरुआत कीजिए आप। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। सो आप बता रहे थे कि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टैमिना बढ़ाता है, तो अगर मैं एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कितना से स्टार्ट करूँ और फिर उसको कैसे कैसे लेवल पे बढ़ाऊं, तो आज मैं कितना करूँ, कल मैं कितना करूँ, वो कैसे मैं डिसाइड? रनिंग और एक्सरसाइज आप साथ नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स खिंच जाती हैं, कई बार स्ट्रेच हो जाती हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पे। तो जब आप रनिंग कर रहे हैं तब आप रनिंग का ही किया अपना, उसके 10-15 मिनट्स का आप गैप देके, रिलैक्स देके फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर आप रनिंग कर रनिंग तुरंत बाद अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे अब बाकी स्ट्रेचिंग करनी है या बाकी वर्कआउट करना है, तो वो चीज नहीं है। तो कोशिश कीजिए रनिंग का आप अपना अलग टाइम रखिए और बाकी आसन का या बाकी जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका अलग टाइम रखिए आप अपना, और धीरे धीरे कीजिए। ओके थैंक यू। सो आपने फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में बताया कि क्या किस तरह से अगर हमें अलग अलग बॉडी के पार्ट का वर्कआउट करना है, इसको फुल बॉडी वर्कआउट बोलते हैं। तो हमें थोड़ा एक्सरसाइजेस के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन से एक्सरसाइज अच्छे होते हैं हमारे, कौन से बॉडी पार्ट को हेल्प करता है ग्रो करने में, मसल्स को ग्रो करने में। तो अगर किसी को भी, आप सभी लोग अगर फिटनेस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डेली रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, योगा में क्या कुछ कुछ अगर एक्सरसाइजेस है उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल है, तो प्लीज अभी चैट पे पूछिए, क्योंकि सभी लोगों ने लिखा है कि मैं प्लैंक्स करता हूँ, मैं बॉक्सिंग ड्रिल्स करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। अगर दीदी ने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप चैट पर लिख सकते हैं। कुलसुम बोल रही है हाइट बढ़ाने के लिए योगा करनी चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे आसन्स हैं कि आप सबसे पहले तो जो पुलअप्स होते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए, किसी भी कोई भी घर में कुछ ऐसी जगह हो जहाँ आप इजीली लटक सकते हो, ठीक है। और आप पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, आप धनुरासन कर सकते हैं, आप सर्वांग कर सकते हैं, आप चक्र आसन कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। और दूसरी बात, फिजिकली वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट अच्छा कीजिए तो हाइट आपकी डेफिनेटली श्योर है 110% बढ़ जाएगी, हाइट नहीं रुकेगी आपकी। जी क्या आप थोड़ा धीरे धीरे योगा के आसन के नाम बताएंगे तो कुलसुम को मौका मिलेगा कि वो फटाफट अपने वो आसन के नाम एक दो लिख ले ताकि वो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सके। okay. हाँ, तो कुलसुम आप नोट्स ले सकते हैं, दीदी बता रही है। पश्चिमोत्तान की 2-3 वेरिएशंस और हैं, आप किसी भी योगा ट्रेनर से पूछ सकते हैं। पश्चिमोत्तान की 2-3 वेरिएशंस हैं, वो चक्रासन, धनुरासन, सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार और रनिंग भी। रनिंग का आप इवनिंग में टाइम दीजिए और मॉर्निंग में आप आसनास कीजिए। और आसनास ये नहीं है कि आपने कुछ एक सेकंड्स किए और फिर छोड़ दिए। सबसे पहली बात, जब भी आप आसनास कर रहे हैं खाली पेट हो आपका, और दूसरा कंफर्टेबल कपड़ों में करो आप, और तीसरा कि आप उसको धीरे धीरे उसकी टाइमिंग्स बढ़ाइए। जैसे जैसे टाइमिंग्स बढ़ेंगी तो वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और स्टार्टिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप किसी देखरेख में करें, टीवी पे या बुक्स में देख के अपने आप ट्राई ना करें, वरना इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो जैसा आपने टाइमिंग के बारे में बताया, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसके पहले कभी नहीं करता था कुछ भी एक्सरसाइज या कोई भी आसना, तो मैं कितने मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर कैसे उसको बढ़ाएंगे? वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप अलाउ करेगी। वो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम कितने मिनट कर सकते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप्स अलग अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कितना अलाउ कर रही है और हम कितनी देर तक कर सकते हैं, हम एक आसन में अपने आप को कितने लंबे टाइम तक स्थिर रख सकते हैं।
कंफर्टेबल रख सकते हैं, तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी मिनिमम अगर कोई अगर टाइमिंग है तो मैं मिनिमम कितना 15 मिनट या 20 मिनट करके देखूं? नहीं नहीं नहीं, कोई भी आसन 15 मिनट 20 मिनट होल्ड नहीं कर सकते, हालत नहीं, बहुत मतलब मैं खस्ता हो जाएगी। हाँ, मैं पूरे पर कोई भी आसन बता रही हूँ। ओके नेहा, हम कोई भी आसन, एक आसन कर रहे हैं तो हम 20-30 सेकंड से उसकी टाइमिंग 1 मिनट तक ले जाएं, और फिर धीरे धीरे करके आप 2 मिनट तक भी टाइमिंग कर सकते हो। आप उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो 2 मिनट तक भी हो जाएंगे टाइमिंग। और पूरा अगर हम देखें आसनास का, सूर्य नमस्कार का, बाकी सबका, तो कम से कम आप 40 मिनट अपने लिए निकालें एक दिन में, तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। 40 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन जैसे आपका बॉडी आपको आपका स्टैमिना इंक्रीज कर रहा है वैसे आप बढ़ सकते हैं। विशाल, क्या आपका जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया वो चैट पे लिख दो, दीदी आपको बता देगी। तब तक अजहरुद्दीन ने ये सवाल पूछा कि स्टैमिना कैसे बढ़ाऊं, दीदी ने ऑलरेडी बताया कि रनिंग इज अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर स्टैमिना। दीदी अगर दोबारा बता सकते हैं कि रनिंग हम कितने मिनट से स्टार्ट करें, कितना किलोमीटर इन द बिगिनिंग एंड फिर उसको आगे कैसे धीरे धीरे बढ़ाते रहे, तो दीदी उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। रनिंग तो है, रनिंग आप जितना करोगे वो आपको हेल्प करेगा स्टेमिना बढ़ाने के लिए। रनिंग के बिना, रनिंग के साथ साथ अगर आप जंपिंग एक्सरसाइज जितनी भी जंपिंग एक्सरसाइज हैं बहुत सारी हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी निकालोगे तो बहुत सारी जंपिंग एक्सरसाइज हैं, वो भी आपका स्टेमिना बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और साथ साथ में अगर आप योग करते हो, सूर्य नमस्कार से स्टार्टिंग करते हो, तो सूर्य नमस्कार स्टैमिना बढ़ाने के अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल है। तो आप अपनी बॉडी के स्टार्टिंग में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। आपको विद मंथ में अपना स्टैमिना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा स्टैमिना पहले से बहुत बेहतर है, अभी बढ़ गया है, आपको खुद फील होगा। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। अगर किसी का और भी कोई सवाल है तो वो चैट पे लिखो। आई होप आप सभी का सवालों के जवाब हमने आंसर करने की कोशिश की है। तो अगर लास्ट कोई भी सवाल आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। अजहरुद्दीन ने थैंक यू बोला है, थैंक यू सवाल पूछने के लिए भी थैंक यू, अच्छा लगा कि आप लोग सवाल पूछ रहे हो इससे लेकर। तो आप अगर मैं 30 सेकेंड्स का भी टाइम ले रही हूँ कि अगर आप किसी को भी सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। ग्रेट, ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू एवरीवन। इस सेशन को एंड करने से पहले अगर मैं 2 लाइन में इस सेशन को समराइज करना चाहूँ तो दीदी ने ये बताया कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन 12th में रहते रहते आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज है जो बिल्ड करनी पड़ेगी, जो आपको हेल्प करेगा अगर आप कोई एंट्री लेवल जॉब्स में भी जा रहे हो, कोई कोर्स करके भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो। तो वो 2-3 चीजें जो दीदी ने शेयर करी है वो ये है कि एक तो आपको अपना टाइम का स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन अपने जीवन में लानी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा हमने आज डाइट चार्ट के बारे में बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो अपने लिए एक अच्छा सा डाइट चार्ट बना लो, जो भी घर में पड़ी हुई चीज है उससे। तीसरा दीदी ने बोला है कि एक्सरसाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है 2 कारणों के लिए। एक तो आप जितना एक्सरसाइज करोगे तो वो इजी हो जाएगा कि आपके पोस्चर्स भी अच्छे हो जाएंगे, आप उस एक्सरसाइज को और बेहतर भी समझोगे क्योंकि आप उस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाई भी कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को गूगल में जाके पढ़ रहे हो कि कौन से बॉडी पार्ट में वो हेल्प कर रहा है। तो अगर आप 12th के बाद कुछ करना चाहते हो तो वो आपको दूसरों को भी एक्सप्लेन करने में मदद करेगा कि ये एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट में क्या फायदा लाता है। तो सेशन में आने के लिए आप सभी को थैंक यू, एंड मेरा पिंकी दीदी को भी बहुत थैंक यू कि आप आए आज सेशन में और आपने इतने अच्छे से हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस हर एक आसन के बारे में बताया, एक्सरसाइजेस के बारे में बताया और कुछ चीज़ें बताई जो हम अगर अभी से करना स्टार्ट कर दें तो हमें आगे इस इंडस्ट्री में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को अभी ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अभी कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आज के सेशन में, अगर आप कोई अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं तो वो चैट पर शेयर करो कि आपने एक चीज क्या आज इस सेशन से सीखी जो आप आगे करने वाले हो। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी ड्रॉप होकर ज्वाइन भी हुए हैं।
तो फटाफट शेयर करो कि अगर आपने एक चीज क्या सीखी आज इस सेशन में जो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा आगे। सब ऐसे शांत से बैठे हुए हैं, फटाफट शेयर करना पड़ता है सभी को। अभी मैं नाम लेने लगूंगी सबके। और कुलसुम बोल रही रोज एक योगा के आसन करनी चाहिए। थैंक यू कुलसुम, आप अपने एक्सरसाइज में एक योगा का आसन भी डाल सकते हैं। विल स्प्लिटिंग हेल्प इन नॉक नी, आपका ये सवाल है अर्पित। आई थिंक अर्पित ड्रॉप आउट हो गया था, तो दीदी से ये सवाल है कि क्या स्प्लिटिंग हेल्प करता है नॉक नी में? हाँ, काफी हेल्प करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा स्प्लिट, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा स्प्लिट। अजरुद्दीन शेयर कर रहा है, आई जस्ट लर्न हाउ आई कैन इंक्रीज माई स्टेमिना डे बाई डे। ग्रेट, आई थिंक अपना रनिंग आप ले आओ अपने एक्सरसाइज के प्लान में, अपने डेली रूटीन में, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और नेहा, सबसे जो मेन बात थी कि शुगर, शुगर की जगह अगर खाने में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, धागे वाले मिश्री हो गया, गुड़ हो गया, इन चीजों को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो फैट इश्यूज नहीं आएंगे, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। और दूसरी चीज, अगर नमक जितना कम से कम लेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। और तीसरा, अच्छी हल्दी अगर खाने में यूज करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बॉडी में कोई पेन जैसे डॉम्स वगैरह बनते हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो वो सब चीजें भी नहीं होंगी। तो कच्ची हल्दी और नमक, सेना नमक अगर यूज कर सकते हैं वो यूज शुरू करें, और शुगर बिल्कुल बंद, धीरे धीरे बंद, थोड़ा मुश्किल है बट हाँ हो सकता है। ये मुश्किल काम करने के लिए विशाल और मनीष ने दोनों ने बोला है कि अब वो डाइट को इज इम्पोर्टेंट उसके बॉडी के लिए फिट, तो डाइट में कुछ चीजें दीदी ने और ऐड कर दी है। मनीष बोल रहा है कि उसने आज सीखा कि अलग अलग तरह के डाइट्स क्या क्या होते हैं। ग्रेट, योगास के बारे में जाना, ग्रेट। थैंक यू एवरीवन शेयर करने के लिए। अभी मैं पिंकी जी से बोलूंगी अगर आप शेयर करना चाहें आपको कैसा लगा आज के सेशन में, और हम फिर एक क्लोजिंग पिक्चर के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। नेहा, आज का सेशन सीरियसली मैं थोड़ा स्टार्टिंग में नर्वस थी, बट बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर ये सेशन लाइव होता, आमने सामने अगर होता, तो मुझे और भी, क्योंकि मैं प्रॉपर आसनास बनाती करके दिखाती इनको, बच्चों को, और मैं भी बहुत एंजॉय करती, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते। तो होपफुली देखते हैं कि इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो आमने सामने हम फिर कभी मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, क्योंकि आज इंटरनेट वगैरह की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हुई, बट आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ और किया और फिर स्टार्ट करवाया। थैंक यू सो मच, बच्चों को भी और आप मिली कि योगा में करियर्स के बारे में भी हमने जाना, और अभी हम क्या कर सकते हैं उन चीजों पे भी हमने बहुत सारी बातचीत की। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अब अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं जो भी लोग, तो बिफोर वी लीव द सेशन वी वुड लाइक टू यू नो क्लिक अ पिक्चर टुगेदर। जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा, अर्पित का एक सवाल रह गया है। अर्पित पूछ रहा है स्प्लिट, साइड स्प्लिटिंग को मास्टर कैसे करें? साइड स्प्लिट के लिए काफी सारी एक्सरसाइज हैं जो हेल्प करेंगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला, कच्ची हल्दी खाने में शुरू करो और नमक कम कर दो, तो आपकी स्प्लिट खुलने में वो हेल्पफुल रहेगा, काफी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी बॉडी। और दूसरा, आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक एक्सरसाइज है, जैसे आज आपने एक मुझे शेयर किया था एक्सरसाइज का, उसमें भी था लास्ट में एक फ्रॉग था शायद, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, वो था बटरफ्लाई हो गई और साइड स्प्लिट्स हो गए। आप वॉल का सहारा लेके वन बाय वन एक एक लेग से स्ट्रेच कर सकते हैं और धीरे धीरे स्प्लिट का हो जाएगा। बट आप नमक कम करेंगे और कच्ची हल्दी जितना यूज करेंगे अपनी डेली रूटीन में, तो आपकी स्प्लिट स्ट्रेचिंग ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
नहीं पंकज, मैं पिक्चर्स लूंगी, आपको लेने की जरूरत नहीं, आप बस अपना कैमरा जो जो लोग ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तो हम दीदी के साथ एक मेमोरेबल मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। फटाफट करो दोस्तों, कि ये सेशन हम ओवर टाइम चला गया है, बट आप लोग बहुत ही अच्छे से बड़े रहे, बने रहे इस सेशन में। तो विशाल आ गया है, अर्पित आ गया है, शिवम आ गया है, ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू गाइज। तो रेडी, जो लोग आ गए हैं उनके साथ ही एक पिक्चर लेते हैं, तो रेडी हो जाओ, बाल बाल बना लो ऐसे। अर्पित तो रेडी होके ही बैठा हुआ है, मनीष भी, अर्पित पोज में ही है ऑलरेडी। तो रेडी, 1 2 3 गो। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेशन। जल्दी जल्दी इस करियर के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको अपने लाइफ में आगे यूज करो, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट फिटनेस के सेशन में। बाय बाय बाय, थैंक यू।